नमो नमः। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पीयूषम का नवमह पाठ है अर्थात नौवां पाठ, जिसका शीर्षक है नील श्रृगाल है अर्थात नीला सियार। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। कस्मिंश्चित अरण्य एका श्रृगाल प्रतिवसति स्म। किसी वन में एक सियार रहता था। स एकदा स्वेच्छया, एक बार वह इस स्वेच्छा से नगरोपांते नगर के समीप भ्रमण घूमते हुए कुक्कुरेभ्यो भीता, कुत्तों से भयभीत हुआ। रजकस्य नील भांडे पतितः, धोबी के नील के होज में गिर गया। ततो सौ वनम गत्वा, उसके बाद उसने वन में जाकर आत्मानम नीलवर्णम अवलोक्य, स्वयं को नीले रंग का देखकर अचिंतयत सोचा, अहम इदानीम उत्तम वर्ण, मैं अब उत्तम रंग का हो गया हूँ। तदा हम स्वकीय उत्कर्षम किम न साधयामि, तो मैं अपनी उन्नति क्यों न सिद्ध करूँ, खुद को श्रेष्ठ क्यों न सिद्ध करूँ। इत्यालोच्य, इस प्रकार से विचार करके श्रृगालान आहूय सियारों को बुलाकर स उक्तवान, उसने कहा, माम भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्य अभिषिक्तवती, मुझको देवी वन देवी के द्वारा अपने हाथ से मेरा वन राज के रूप में अभिषेक किया गया है, अर्थात मुझे वन का राजा बनाया गया है। तदद्य आरभ्य, तो आज से लेकर अरण्य वन में अस्मद आज्ञया व्यवहार कार्य, मेरी आज्ञा को सब मानेंगे, मेरी आज्ञा से ही सभी कार्य होंगे। श्रीगालाश्च, और सियारों ने तम विशिष्ट वर्णम, उस विशेष वर्ण वाले को अवलोक्य देख कर प्रणम्य प्रणाम करके अवदन, कहा, यदा आज्ञा पयति देव, जैसी महाराज की आज्ञा। इत्यनेन एव सर्वे, इसी प्रकार सभी ने क्रमेण धीरे धीरे अरण्यवासी ने सभी वनवासियों ने तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवंतम, उसका आधिपत्य अर्थात उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। शना शना धीरे धीरे स्व्याघ्र उस धीरे धीरे उसने व्याघ्र सिंह आदि बाघ शेर आदियों को उत्तम जनान प्राप्य, उत्तम लोगों को प्राप्त करके स्वजातियां दूरी कृतवान, अपनी जाति के सियारों को खुद से दूर कर दिया। ततो दुखितान श्रृगालन, फिर दुखी सियारों को अवलोक्य देख कर केनचिद वृद्ध श्रृगालेन एतत् प्रतिज्ञातम, किसी बूढ़े सियार ने यह प्रतिज्ञा की, यथा अयम, जिससे यह व्याघ्र आदि भी परिचितो भवेत, बाघ आदि के द्वारा इसकी सत्यता पता कर ली जाए, तथा उपायम करिष्यामः, वैसा मैं उपाय करूँगा। यतः, जिससे एते व्याघ्राद है कि ये बाघ आदि अस्य वर्ण मात्रेन विप्रलब्धः संत, इसके रंग को देखने मात्र से ठगे हुए हैं, एनम श्रृगालम, इस सियार को अज्ञात्वा न जानते हुए राजानम मन्यते, राजा मान रहे हैं, वे इसको सियार नहीं समझ रहे, इसके रंग के कारण कोई विशेष प्राणी समझ रहे हैं और उसको राजा मान रहे हैं। ततः सायंकाले सर्वे, फिर शाम के समय सभी ने तत्र सम्मिलियन मिलकर इकट्ठे होकर एकदेव महारावम अक्रुवन, एक बार ही उच्च स्वर में आवाज की। तम शब्दम श्रुत्वा, उस शब्द को सुनकर स नील श्रृगालोपी, वह नीला सियार भी जाति स्वभावात अपने जातिगत स्वभाव के कारण तही सह शब्दम आक्रोत, उनके साथ उसने भी शब्द करना प्रारंभ कर दिया। तथा कृते सती, उसके वैसा करने पर सिंह ही सह ज्ञाता, शेरों के द्वारा वह जान लिया गया, हतश्य और मार दिया गया। यतः, क्योंकि कहा गया है, यह स्वभाव ही यस्य अस्ति, यस्य जिसका, यह स्वभाव जो स्वभाव अस्ति है, स नित्यम दुरति क्रमः, वह हमेशा दुरतिक्रम अर्थात उसका निवारण कठिन होता है, उसको दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इस पाठ को तैयार करना है। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।